लेना का आयोजन है, अगले भी सर्वे ने खाली कर दीजिए, बड़ा ये खाली कर दीजिए, ओ लोग के जाचे अच्छा ना जी जासी बने हो, हां हो धुए आ भाई और की नुक छोला हां तुम तो सब भी गए ओ और के भी गए बात नाम है उठे ए टाका भी गए हां टाका भी गए तुम लोग भी गए विधायक जी, इस घटना के बारे में क्या कहना है, कैसी घटना हुई? ये घटना बिहार बंगाल के कटिहार जिला, मालदा जिला और दिनाजपुर जिला का जो संगम स्थल है, जहाँ महानंदा एक विशाल नदी में तब्दील हो गई है और हमारा जो उस जगह पर आबादपुर की जो नदी है वहाँ जाके मिलती है, तो वहाँ एक नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस पार है, पश्चिम पार है जगन्नाथपुर घाट, पूर्व पार है मुकुंदपुर घाट। तो उसी में 5:06 के आसपास नाव जो पार हो रहा था, फेरी कर रहा था, पश्चिम पार से पूर्व पार जा रहा था, तो उसकी क्षमता से बहुत ज़्यादा लोग को भर लिया और नाव बीच नदी में जाके डूब गई। ये बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत खौफनाक और दर्दनाक घटना है। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि ये प्रशासन की जो नाकामी है और फेरी कानून के तहत ये जांच पड़ताल होनी चाहिए और जिसकी भी कमजोरी है उसको कटघरे में खड़ा करके और उसको मुकदमा चलाना चाहिए। साथ साथ जो पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा की मांग मैं करता हूं। और अभी तक जो रिपोर्ट है, मैं 3 बजे आया हूं और वहां के कलेक्टर, मालदा जिला कलेक्टर, BDO, SP के साथ हमारी मुलाकात हुई। हम अपनी टीम लेके गए थे वहां। हमारी टीम में SDO बारसोई, DSP बारसोई और BDO बारसोई, CO बारसोई थे। हम लोगों ने पूरी रात वहाँ दौरा किया और हमारे जो उसके बगल में 1 किलोमीटर डिस्टेंस में जो नया डुमडोलिया है, चाय टोला है, रघुनाथपुर गांव है, इस गांव के एक व्यक्ति की शिनाख्त हुई है, बेंगाई मोहम्मद, जिसकी मृत्यु हुई है, 70 साल से ऊपर उसकी उम्र है। और बंगाल के तक रात 3 बजे तक हम लोगों ने देखा कि 3 व्यक्ति की मौत जो मुकुंदपुर इटार थाना में पड़ता है वहाँ था शव, और 5 व्यक्ति अंडर ट्रीटमेंट चाचल हॉस्पिटल में था। हम लोग कामना करते हैं और संवेदना प्रकट करते हैं। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन की भी फेलियोर है, जब फेरी नाव चल रहा है तो उसमें नाव की क्षमता कितनी है, ये क्षमता देखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो माझी लोग मनमानी करते हैं, और माझी नहीं, वहाँ तो नाव के साथ मशीन अवैध रूप से वहाँ लागू कर दिया है और विशाल वहाँ नदी बन गई है। तो वहाँ जो कंप्लीट फेलियोर है आपको ये नाव परिचालन का, इसलिए नाव परिचालन के दोषी व्यक्ति अच्छा, के साथ पुल बनाने का मांग। हमें चाहता हूँ कि वहाँ एक बड़ा पुल बने उस नदी में, चूँकि बिहार बंगाल के हजारों जनता का डेली प्रतिदिन आवागमन होता है मोटरसाइकिल। मुझे लगता है कि कम से कम वहाँ आपको 150 क्विंटल माल वो नाव पर थी, माल था, और जो मोटरसाइकिल था और कुछ था और कुछ था। जो कितने लोग के डूबने की आशंका? ये डूबने की आशंका मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 से ज़्यादा लोग डूब गए होंगे, बह गए होंगे। और मैंने कटिहार कलेक्टर से मांग की है कि कटिहार से भी NDRF की टीम भेजा जाए, और चाचल का, मालदा का NDRF की टीम आ गई है वहाँ। रात भर उन लोगों ने, रात 9 बजे तक उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, 9 बजे नहीं करीब 11 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। और कटिहार DM ने भी आश्वासन दिया कि आज कटिहार जिला के तरफ से भी NDRF टीम वहाँ जाएगी, और मैंने आग्रह किया है कि कटिहार का DM भी घटना स्थल का जायजा ले और जो पीड़ित परिवारों को उचित सांत्वना दे, शोक संवेदना प्रकट करने के साथ साथ जो 10-10 लाख रुपया। थैंक यू।